सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश बुध जो है वो तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण पराक्रम अच्छा खासा आपका बढ़ा रहेगा, और तृतीयेश मंगल जो है वो छठे भाव में होने के कारण पराक्रम के साथ साथ आपका काम करने का तरीका वो भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाला है। दूसरे घर में शुक्र विराजमान है जो द्वितीयेश होकर विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में मधुर वाणी के साथ अच्छे डील्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो पेंडिंग पड़ा हो वो आप अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उसको क्लियर कर सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य बुध और गुरु विराजमान है, यानी द्वादशेश का तीसरे भाव में विराजमान होना खर्चे को बढ़ाने की इंडिकेशन को देता है। साथ ही साथ चतुर्थेश का तीसरे भाव में विराजमान होना घर के ऊपर खर्च या घर के मेंटेनेंस में कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। चौथे भाव में शनि विराजमान है तो घर के पीछे खर्चे तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बना के चलना पड़ेगा। पंचम भाव में केतु विराजमान है तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ सकती है, उनकी सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विद्यार्थीगण शायद अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस ना कर पाए, या फिर स्थान परिवर्तन होने के कारण आप किसी दूसरे काम में अपना ध्यान देंगे। छठे भाव में मंगल विराजमान है, षष्ठेश शनि जो है वो चौथे भाव में विराजमान होने के कारण घर वालों के साथ किसी भी तरह के बहसबाजी पे ना जाएं, नहीं तो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी हो सकती है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तमेश गुरु जो है वो तीसरे भाव में विराजमान है, तो पत्नी से तालमेल काफी अच्छा बना रहेगा। आप पूरा कोशिश करेंगे कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में अच्छे तरीके से तालमेल बना रहे। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टमेश मंगल जो है विराजमान है छठे भाव में, तो यहाँ पर स्थिति काफी आपके कंट्रोल में रहेगी। स्पेशली काम की जगह पर जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नवमेश शुक्र जो है वो द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में भाग्य जो है आपका बिल्कुल साथ देने वाला है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं, दशमेश खुद लग्नेश होकर तीसरे भाव में विराजमान है, तो कामकाज की जगह पर डेफिनेटली आप झंडे गाड़ने वाले हैं। इस महीने थोड़ा सा बिजी होने के साथ साथ आपके प्रमोशन को भी देने वाला हो सकता है। एकादश भाव में राहु विराजमान है तो अचानक से कोई ऐसा फटका इनकम आ सकता है, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी डील से इनकम आ सकता है, या फिर जो लोग लिक्विड के बिजनेस में हैं स्पेशली वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या किसी भी तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हो गया, इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है जो एकादशेश होकर द्वादश भाव में विराजमान है, तो विदेशों से इनकम को भी दिखा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगी। ओवरऑल ये महीना काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। दो बातों का ध्यान रखना है, घर वालों के साथ किसी भी बात को लेकर बहसबाजी पे ना जाएं, और अपने बच्चों की तबीयत की ओर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये था कन्या राशि कन्या लग्न वालों का दिसंबर 2018 का महीना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।